द फैमिली मैन सीजन 2 जब से इसका ट्रेलर आया है तब से अलग तरीके की एक वेव चल रही है। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरीके से फैमिली मैन को लोगों ने पसंद किया है, जिस तरीके से सीजन 1 को पसंद किया है, सीजन 2 को लेकर थोड़े से तमिलियंस बहुत ज्यादा भड़क गए हैं और वो हाउ डेयर यू कह रहे हैं। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफाफूज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मैं मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों द फैमिली वन सीजन 2 की और समंथा के कैरेक्टर की। समंथा जी बहुत अमेजिंग लग रही है, जिस तरीके से वो दोस्तों कर रही है काम वो लाजवाब है और जिस तरीके से वो विलन बनी है वो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे लिट्टे और साथ ही साथ दोस्तों ISI इन लोगों को आपस में मिला दिया गया है, जिसकी वजह से तमिलियंस बहुत ज्यादा भड़क गए हैं और वो राज NDK जो कि इस पूरी सीरीज के निर्माता निर्देशक हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने इसमें तमिल कल्चर को लेकर कुछ गलत किया है, अगर हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट्स है या फिर हम जिस तरीके से श्रीलंका से लड़े थे उसका डिसरिस्पेक्ट किया है, तो भैया अब तो हम इट्स हाई टाइम हम इसको बैन करवाएंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो तमिल के सेंसर बोर्ड की तरफ एक लेटर भी चला गया है कि आपको इसको सेंसर करना ही होगा, आपको इसको प्रॉपर देख कर रिव्यू करके उसके बाद जाके इसको रिलीज करनी होगी तमिल में। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं तो फैमिली मैन इस बार पूरी कहानी शिफ्ट हो गई है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि केरला का एक लड़का था और केरला का था आंध्रा का था एक लड़का था जो आतंकी बन जाता है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान में वो बॉम्ब प्लांट करता है और बायोकेमिकल समथिंग कुछ होता है, फिर उसके बाद अब वो कैसे बचा क्या बचा ये हमें अब शायद सेकेंड पार्ट में दिखाएंगे। लेकिन वो एंडिंग ही ऐसी छोड़ दी थी कि जो हमारे मुख्य किरदार है मनोज वाजपेयी जी वो बचा पाएंगे देश को या नहीं बचा पाएंगे। आई गेस उन्होंने बचा लिया है लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ नहीं बचा पाए हैं वो, और वो हमें ट्रेलर के इस सीक्वेंस में नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर स्पेशली समंथा जी के कैरेक्टर को लेकर सब लोग उंगलियां उठा रहे हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार करते हैं गाइज, मैं तो यही सलाह देना चाहूंगा। देखो एक अच्छी ऑनेस्ट एफर्ट है तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, और अगर आपको फिर अनुचित लगता है तो ऑफकोर्स बोर्ड बैठा ही हुआ है सेंसर बोर्ड, तो वही कुछ ना कुछ सजेशन और कुछ ना कुछ कह सकता है, कुछ ना कुछ लेगा, उपाय लेगा। सो गाइस कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।